कला, संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव मनाने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जयपुर चैप्टर द्वारा जयपुर आर्ट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुए दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने किया। अपने संबोधन में 8 बार के प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक मेवाड़ के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने विरासत, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने परिवार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अपनी महान वंशावली और महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और बप्पा रावल जैसे दिग्गजों के वंशज होने के बावजूद उन्होंने विनम्रता पूर्वक रॉयल्टी के लेबल को अस्वीकार कर दिया। संस्कृति और कला का जो, और खास तौर के ऊपर हमारे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है, वो एक अलग ही एक योगदान रहा है जो कहीं ना कहीं देश को भी जो है वो प्रेरणा देता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर इस जोश और उल्लास के साथ में जो है वो किया जा रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि इसके अंदर जो है मैं शिरकत कर सका। नहीं देखिए, ये हमारी जो पीढ़ियाँ हैं जो ये काम हजारों वर्षों से जो है वो करती हुई आई हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के रक्त के अंदर जो है वो ये चीज़ जो है हमको विरासत में मिली है, और उसी का जो है वो निर्वाह करने का जो है वो प्रयास है। और आज जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी इसके अंदर उसी तरीके से जो है वो दिलचस्पी ले रही है, इसको देखकर बड़ी खुशी होती है। इस अवसर पर फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार ने बताया कि आर्ट फेयर का उद्देश्य आर्टिजन्स को सशक्त बनाना, उनकी आवाज को बुलंद करने और उनकी शिल्प की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि एक निर्यातक के रूप में 18 वर्षों तक कला और शिल्प के क्षेत्र में काम करने के बाद मैं युवा पीढ़ी को अपने पारिवारिक व्यवसाय को अपनाने और राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं आपको एक सत्य बात बताती हूँ, मैं 18 साल से गारमेंट एक्सपोर्ट ट्रेड में हूँ। मैंने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, ब्लॉक प्रिंट, डाबू प्रिंट। तो जब मैं अभी इन दिनों मिलने लगी लास्ट 3-4 सालों से, तो बोले हमारे बच्चे इस कार्य क्षेत्र में नहीं आना चाहते, उनको लगता है हम छिपा के बच्चे हैं, वो व्हाइट कॉलर एक कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं। अगर हमारी धरोहर ख़त्म हो जाएगी तो राजस्थान की एक जो परिपक्वता है, जहाँ वर्ल्ड मैप में जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आर्ट तो एक फैमिली की जनरेशन टू जनरेशन जा पाएगा, सीखने वाले कॉलेज में सीख सकते हैं, बट जो डीएनए में आ जाती है चीज़ें, वो डीएनए में आती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इन आर्टिस्ट को बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सेलिब्रेट किया जाए, और उनको आज वो दिखाया जाए जिसके कारण राजस्थान में इतना टूरिज्म है। उनको ये समझाया जाए कि ये जो आपके पुश्तैनी काम चल रहे हैं, इनमें बहुत गुण हैं और बहुत बड़ा बिजनेस का ये व्यापार है, और इसको एक बहुत बड़ा विजन देने के लिए। तो ये सुनती रही, लास्ट ईयर मैंने इस बारे में सोचा था कि मैं जयपुर आर्ट फेयर करके एक आयोजन करूँगी। सोचती रही और फिर वो दिमाग की कल्पना बनती गई, इसको बोलते हैं ना ख्वाबों का किला। तो जो मेरे हसीन सपने थे आज ये साकार हो गए, लक्ष्यराज जी आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉजिटिवली यूनिवर्स में कुछ अच्छे कार्य के लिए बढ़ते हो, तो स्वयं आप जिसे बोलते हैं ईश्वर या ईश्वरीय ताकत आपके साथ चलती है इसको बढ़ाने के लिए। मेरी पूरी टीम, मैंने चेयरपर्सनशिप ली अप्रैल में, और ये 15 दिन में पूरा प्रोडक्शन किया। पर ये ख्वाब 1 साल से था, और ये सब उनकी जो पीड़ा सुनती थी कि हमारे बच्चे कार्य क्षेत्र में नहीं आना चाहते, तो उनको आज ये बताना था कि ये बहुत बड़ा आर्ट है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, और आप ही हैं जो हमारे राजस्थान को आगे एक मैप में दिखा रहे हैं कि लोग कल्चर के लिए विदेशों से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है देश विदेशों की। तो इसे चालू रखें, अपने परिवार के काम में जुड़ें, और एक बहुत बड़ी इसको लुक देने के लिए हमने इसे एक सेलिब्रिटी आयोजन बनाया। लक्ष्यराज जी पधारे, ये भी हमारे उनके अभाग्य थे कि एक कुंवर महाराज साहब फ्रॉम उदयपुर आके हमारे की एक एक जने से वो मिले आर्टिस्ट से, तो आज वो अपने आप में सेलिब्रिटी बन गए। अब हमारे पुरस्कार अवार्ड भी हैं, कल नेशनल अवार्ड विनर से स्टार्टअप हैं यहाँ पर, और इसको हम एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, पूरा जयपुर आकर देखे, राजस्थान देखे इसे।